राजनीति विज्ञान की विचारधारा में तक हम लोगों ने राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के अप्रोचों की व्याख्या की। उन्हीं अप्रोचों की व्याख्या में आज हम डेविड हिटल के राजनीति व्यवस्था सिद्धांत विधि को पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। डेविड हिटल ने अपने मॉडल में ये बताने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण में कैसे कार्य करती है। डेविड हिटल ऐसे विचारक थे जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की स्थिति कैसी थी और उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। हम किसी के ऊपर ये दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में ही सारी समस्याएं हैं और उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए डेविड हिटल ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम, जो पब्लिश हुई 1953। इस पुस्तक में डेविड हिटल ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में ये बताने का प्रयास किया कि पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। इस पुस्तक के अलावा डेविड हिटल ने दो अन्य पुस्तकों का भी संपादन किया। दूसरा है ये फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस जो 1964 में प्रकाशित हुआ और दूसरा है सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जो 1979 में प्रकाशित हुआ। इन तीन पुस्तकों ने डेविड हिटल को दुनिया का एक गंभीर राजनीतिक विचारक स्थापित किया और जिसकी बात को दुनिया के तमाम राजनीतिक शास्त्रियों ने मानने के लिए उनको विवश होना पड़ा। डेविड हिटल ने एक ऐसे प्रश्न का समाधान करने की कोशिश की थी जिसमें यह बात आई थी कि आखिर हम कैसे राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से अग्रसर करेंगे कि जिससे कि अब आने वाले समय में दुनिया में विश्व युद्ध न हो। उसमें उन्होंने दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान दिया था, जैसे टू आंसर दिस क्वेश्चन टू बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द वे इन व्हिच द पॉलिटिकल सिस्टम इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट विद इन सोसाइटी एंड आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था समाज और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर और राजनीतिक व्यवस्था के बाहर कैसे कार्य करती है। इसी दो मुख्य प्रश्नों को लेकर के डेविड हिटल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि अगर राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित फ्रेमवर्क में काम करती है तो फिर विश्व युद्ध के लिए कोई एक देश, कोई एक समुदाय या कोई एक संगठन जिम्मेदार नहीं। डेविड हिटल ने अपने सिद्धांत में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी व्याख्या हम यहां पर करेंगे। इस मॉडल में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था के सामने दो चीजें होती हैं। पहला इनपुट होता है और इसके बाद उस इनपुट का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट में डेविड हिटल ने दो बातों पर ध्यान दिया, पहला डिमांड और दूसरा सपोर्ट, यानी हिंदी में उसको कहते हैं मांग और समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था में डेविड हिटल ने यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हम जिस तरह से किसी भी समस्या के समाधान की मांग करते हैं और उस पर जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, राजनीतिक पर्यावरण में परिवर्तन उसी क्रम में होता है, न उससे ज्यादा हो सकता है न उससे कम होता है। अर्थात हमारा डिमांड अगर तगड़ा है और सपोर्ट हमारा तगड़ा नहीं है तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन बहुत ही धीमे गति से होगा, अर्थात जो भी परिवर्तन होगा उसका कोई अभिप्राय नहीं हो सकता है। इसलिए डेविड हिटल ने यह बताने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था में जो जितनी डिमांड हो और जितना सपोर्ट हो, दोनों में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक पर्यावरण में हम डिसीजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वो डिसीजन अगर हमें मिलेगा भी तो राजनीतिक व्यवस्था उस पर खड़ी नहीं उतर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा अगर हमें पर्यावरण में डिसीजन चाहिए, हमें एक अच्छे कानून, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था चाहिए तो हमारे सामने डिमांड एंड सपोर्ट अवश्य होना चाहिए और उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। इस मॉडल के माध्यम से डेविड हिटल ने यह कहा कि यह एक पर्यावरणीय व्यवस्था है, चाहे वो राजनीतिक पर्यावरण हो चाहे वो सामाजिक पर्यावरण हो, जब तक हम उसमें डिमांड और सपोर्ट नहीं लाएंगे तब तक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित जो है वो अपने परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे में डेविड हिटल ने कहा सतत प्रक्रिया है, जब हम डिमांड करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद वो राजनीतिक व्यवस्था अपनी स्थितियों में काम करती रहती है। इसके बाद कुछ समय के बाद
व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, फिर वहां पर फीडबैक दी जाती है और फीडबैक के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में फिर डिमांड होती है, फिर सपोर्ट होता है और फिर एक नए डिसीजन हमारे सामने आते हैं। उस डिसीजन को लेकर के हम राजनीतिक व्यवस्था में एक सुचारू रूपता, एक निष्ठा, एक जो है वैल्यूज के आधार पर काम करने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था अपनी निरंतरता को बनाए रखती है। इन इस मॉडल के माध्यम से देवेंद्र स्कंद ने यह बताने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, उसमें हम जिस तरह का डिमांड और सपोर्ट करेंगे उसी तरह का आउटपुट हमको प्राप्त होगा। इस मॉडल के माध्यम से उन्होंने दुनिया के सभी राजनीतिक विज्ञानियों की आवाज को बंद कर दिया था, जिन्होंने ये कहा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में कुछ पश्चिम के लोग हैं तो कुछ जो है एशियाई देशों के लोग, ऐसा नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अपने क्रम में काम करती है, जिस तरह से जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी पर्यावरण में उसे निश्चल उसी रूप से प्राप्त होगा। तो इस मॉडल से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम जिस तरह का इनपुट देंगे उसी तरह का आउटपुट हमें प्राप्त होगा, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। तीसरी स्लाइड में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट के माध्यम से मैंने अभी जो आपको बताया कि डेविड स्कंद ने अपने मॉडल में डिमांड एंड सपोर्ट के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है। डिमांड में डिमांड है द बर्थ इन टू सेक्टर्स ऑफ एक्सपीरियंस आइदर इन द एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। सपोर्ट को उन्होंने बताया कि सपोर्ट इज फेड इन टू द कलेक्टिव सिस्टम इन रिलेशन टू द टू थ्री ऑब्जेक्ट्स द कम्युनिटी द रीजन द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इलेक्टोरल सिस्टम, कलेक्टिव पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। दुनिया के किसी भी देश में ये जो तीनों चीजें हैं, यही तीनों चीजें राजनीतिक व्यवस्था को एक गति प्रदान करती हैं। जिस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम होता है, जिस तरह की कलेक्टिव पार्टीज के कार्यों की गतिविधियां होती हैं और जिस तरह का प्रेशर ग्रुप का एक नेचर होता है, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन आते हैं और हम उसको सुधार करने के लिए बात कर जाते हैं। तो तीसरी स्लाइड में जो है मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि इनपुट में डेविड स्कंद किन किन बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। चौथी स्लाइड में डेविड स्कंद ने यह बताने का प्रयास किया कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने बताया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द वैल्यूज स्किल्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द लीडर्स फिल्टरिंग द डिमांड्स बाय द वे पीपल्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज हार्डर टू तो हमारी पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दो ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। डेमोक्रेटिक पैटर्न पर चाहे वो संसदीय शासन व्यवस्था हो अथवा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हो, पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर हमें राजनीतिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह संसदीय शासन व्यवस्था में दिखाई दे रहा है अथवा वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेविड स्कंद ने यह बताने का प्रयास किया कि दुनिया में हम जितनी भी देश हैं वो जो अपनी उन्नति पर आज पहुंचे हुए हैं वो इन्हीं दो सिस्टम्स में बेसिकली वो पहुंचे हुए हैं और इन्हीं दोनों के माध्यम से दुनिया अपनी राजनीतिक व्यवस्था को गतिमान बनाए हुए हैं और इस आधार पर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में एक नया कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये दोनों चीजें किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्लाइड्स में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि डेविड स्कंद ने आउटपुट के रूप में तीन चार बिहेवियर को सामने रख करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे वो लिखते हैं कि रेगुलेट्स बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्सेज थ्रू पॉलिसीज प्लान्स प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। इस तरह से डेविड स्कंद ने यह बताया कि जब जब हम डिमांड के रूप में और सपोर्ट के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी प्रोसेस के रूप में आगे आते हैं तो वो प्रोसेस हमें आउटपुट के रूप में इन चार चीजों के माध्यम से हमारे सामने वो दिखती है। जैसे पॉलिसीज, जब तक हमारा डिमांड
बराबर नहीं होगा, उस पर सपोर्ट हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक राजनीतिक पर्यावरण में एक अच्छी पॉलिसी देश के सामने नहीं आ सकती है। और जब अच्छी पॉलिसी नहीं आएगी तो देश किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या होगी, वो असफल हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट के माध्यम से जब तक इनपुट बढ़िया नहीं होगा तब तक हम प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिमांड और सपोर्ट में डिसबैलेंस होगा तो प्लान्स में आपसी प्लान्स में खींचतान हो सकती है, और वो खींचतान जब होती है तो राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। इसलिए हमें प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिमांड और सपोर्ट में बैलेंस रखना होगा, ये डेफिनेशन बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा आउटपुट के रूप में हमारे सामने प्रोग्रेस होने चाहिए, और ये प्रोग्रेस तब आते हैं जब डिमांड एंड सपोर्ट बैलेंस रूप में इन्फोर्स करती है राजनीतिक व्यवस्था को, जब वो इन्फोर्स करती है तो हमें प्रोग्राम के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है, और उस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए और समाज की राजनीतिक व्यवस्था के सामने रखने के लिए और समाज के सामने रखने के लिए निश्चित रूप से बाध्य होना पड़ता है, और वहां पर कोई ये बहानेबाजी नहीं कर सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजनीतिक व्यवस्था को काम करवाने के लिए उसके सामने डिमांड और सपोर्ट रखना होगा, और ये डिमांड सपोर्ट और कौन रखता है, हम नागरिक रखते हैं, हम नागरिक के रूप में आप विद्यार्थी हैं वो रखते हैं, सामान्य आदमी रखता है, चिंतक रखता है, विद्वान रखता है, तो इन लोगों के माध्यम से जो बातें सामने आती हैं वो प्रोग्रेस के रूप में आती हैं, और वो प्रोग्रेस कभी कभी व्यवहारिक रूप जब लेता है तो हमारे सामने प्रोजेक्ट के रूप में आता है, और वो प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाता है तो हमें ये लगता है कि अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सामने समस्या का समाधान करने के लिए ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो सकता है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था के सामने डेविड स्टर्न ने ये बताने का प्रयास किया कि हम राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा समुदाय को दोषारोपित नहीं कर सकते। दोषारोपण करने से पहले हमको इनपुट और आउटपुट में बैलेंस करना होगा, और इनपुट आउटपुट में बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डिमांड एंड सपोर्ट को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। जब तक हम डिमांड और सपोर्ट को व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं करेंगे तब तक ये चारों चीजें हमारे सामने व्यवहारिक रूप में नहीं आएंगी, और राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगी। इस तरह से डेविड स्टर्न ने यह बताने का प्रयास किया कि राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण में कैसे काम करती है, और डेविड स्टर्न ने जहां तक मैंने आपको बताया कि फीडबैक के माध्यम से इन तीन चीजों को पुनः एग्जीक्यूट करने की बात करती है। इसे पहला कहते हैं कि पीपुल फाइंड आउट अबाउट पब्लिक पॉलिसीज एंड रिएक्ट टू इट थ्रू प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरेक्शन विद पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। बिल्कुल क्लियर उन्होंने किया कि डिमांड के माध्यम से हम यह पता करने का प्रयास करते हैं और ये कि राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यकताएं किस बात की हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो उनको पूछने का माध्यम, उनको सरकार तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरेक्शन विद पब्लिक ग्रुप्स। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि फीडबैक के माध्यम से फीडबैक कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत क्लियर उन्होंने कहा कि अगर हमारा फीडबैक नेगेटिव होगा तो राजनीतिक व्यवस्था आगे गतिमान नहीं हो सकती है, और अगर हमारा फीडबैक पॉजिटिव होगा तो व्यवस्था उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होती चली जाएगी, उसमें कोई उसके सामने बाधा खड़ी नहीं कर सकता है। और उन्होंने इसके माध्यम से बताया कि पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स ए नीड टू इंक्रीज इनपुट एट वेल एज एम्प्लीफाइड डेविएशन फ्रॉम ए प्री डिटरमाइंड नॉर्म। प्रीडिटरमाइंड नॉर्म की वो बात करते हैं, वो ऐसा नॉर्म होना चाहिए जो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर दुविधा होगी तो राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नेगेटिव फीडबैक इंडिकेट्स द नीड टू कट ऑफ आर रिड्यूस्ड इनपुट्स। कहने का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में अगर निगेटिव फीडबैक होगा तो राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। और ये पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक, जो मेरा जो मानना है कि पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक, ये दोनों हर तरह की राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो। इस आधार पर डेविड स्टर्न ने यह अपने सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अगर कोई देश अमीर है या उसमें अपनी उत्तरोत्तर
प्रगति की है, तो ऐसा नहीं है कि वह किसी गरीब देश का शोषण करके जो है उत्तरोत्तर बढ़ा है। नहीं, उसने अपने डिमांड एंड सपोर्ट को बैलेंस करके आगे बढ़ा, इसलिए वो आगे निकल गया। और जिसने डिमांड एंड सपोर्ट को में बैलेंस नहीं किया, वो देश विकासशील हो गया, वो सेल गरीब हो गया। और इस तरह से हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। और इस आधार पर डेविड ईस्टन ने यह बताने का प्रयास किया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो परिस्थितियां रही हैं दुनिया में, उसमें कोई देश अमीर हुआ, कोई देश गरीब हुआ, लेकिन इसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया ध्वस्त हुई। दुनिया ध्वस्त होने के बाद जिन देशों ने प्रगति की, उनके डिमांड एंड सपोर्ट में एक पॉजिटिविटी दिखाई दी, और धीरे धीरे वो अपने पास्ट को भूलते हुए प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आगे बढ़ते गए। और जो लोग एक दूसरे को दोषारोपण देते रह गए, वो विकासशील देशों में आ गए, क्योंकि वो आपसी कलह से आगे नहीं बढ़ पाए। और परिणाम क्या हुआ कि उनका देश विकासशील अथवा गरीब देशों में चला गया। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम किसके माध्यम से अमीर हुए या हम किसके माध्यम से गरीब हुए। अगर कुछ भी हुआ तो ये हमारे और हमारे पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आज बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वह उसकी गतिविधियों पर निर्भर करता है। और हम किसी की गतिविधि अगर अच्छी चल रही है, पॉजिटिव वे में चल रही है, हम उसको ये नहीं कर सकते हैं वो हमारे संसाधनों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अगर कोई देश पीछे जा रहा है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि हमारा शोषण करके जो है हमको पीछे कर रहा है और अपने को आगे कर रहा है। इन सभी चीज़ों में हमको खुद एक इफिशियंसी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इफिशियंसी फ्रॉम माइंड टू माइंड, माइंड टू ग्रुप्स, माइंड टू नेशन एंड माइंड टू सोसाइटी होना चाहिए। और इस आधार पर जब एक इंटरेक्शन होगा, तभी कोई राजनीतिक व्यवस्था विकास कर सकती है। और इस तरह से दोषारोपण करने से कोई व्यवस्था अपने लक्ष्य को न पा सकती है, न अपने लक्ष्य से तो आज का जो मेरा लेक्चर है, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि डेविड ईस्टन ने अपने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करने का एक मानक तय करने की कोशिश की।